प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में ये दिन दिया और ये समय है कि हम और आप सब परमेश्वर की उपस्थिति में आए। आइए हम सब लोग पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद परमेश्वर के स्तुति आराधना में जाएंगे, गीत गाएंगे। धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरे पास आते हैं परमेश्वर, अपने आप को तेरे आगे रखते हैं परमेश्वर। हम जैसे भी हैं प्रभु जी, तेरे सामने प्रभु जी हम खुले हैं, बेपर्दा हैं परमेश्वर। तुम्हारे हर एक काम को, हमारी बातों को, हमारे अपराधों को जानता है प्रभु जी, तुझसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है प्रभु। हमारे अपराधों को क्षमा करें प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपने जूफे से हमें शुद्ध करें, धोएं और शुद्ध करें पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगियों को पिता परमेश्वर शुद्ध करें प्रभु जी। दुआ करते हैं आज के खूबसूरत समय के लिए कि होने दिया तूने पिता परमेश्वर के हम सब ही पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आए, और पिता परमेश्वर इस लाइव सेशन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर हम एक संगति में जुट पाए, जिन लोगों की ओर से प्रभु जी ये संचालित की जाती है प्रभु, तो उनको आशीष दे प्रभु जी, उनके भंडारों को भरा रख प्रभु, उनके जीवन में बहुत आयत से प्रभु जी काम कर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी वो तेरे नाम को और तेरे कामों को कर रहे हैं प्रभु जी, तेरे नाम को फैला रहे हैं परमेश्वर। प्रभु जी दुआ करते हैं हमारे देश में हो रही गड़बड़ियों को दूर करें प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर उन सभी को छुएं और चंगाई दें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर महामारी से बचाएं प्रभु, जो लोग इसके चपेट में हैं परमेश्वर उनको चंगाई दें, या कोई भी किसी प्रॉब्लम में है परमेश्वर अपने दाहिने हाथ को बढ़ाएं और छुटकारा दें परमेश्वर। प्रभु जी हम इस काबिल नहीं है पिता परमेश्वर कि प्रभु हम बहुत गूढ़ बातों को जान पाते, लेकिन प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू अपने ज्ञान में से प्रभु जी हमें देता है, सिखाता है और बताता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक काम को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो लोग पिता परमेश्वर बंदी ग्रहों में हैं प्रभु उनको छुटकारा दे पिता परमेश्वर, जो लोग नशे की लत में हैं प्रभु जी उनको भी प्रभु तेरे नाम से छुटकारा मिलने पाए प्रभु जी। हर एक बंधन में पिता परमेश्वर जो जकड़े हुए लोग हैं उन्हें छुटकारा दे प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु तेरे नाम को पुकारने वाले लोगों को प्रभु जी तू पिता परमेश्वर विश्वास में और बढ़ा और उनकी प्रार्थनाओं को सुन पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के इस सेशंस को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं, हर एक नेटवर्क की गड़बड़ी को प्रभु जी दूर करें पिता परमेश्वर, हमारे साथ हमारी मदद करें, हर एक बातों में प्रभु जी तुझे आदर और महिमा मिलने पाए, सारी बातों में प्रभु तू हमारा मददगार हो, हमें गाइड करें परमेश्वर पवित्र आत्मा। और पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं आज के इस सुंदर समय के लिए, और ये समय है कि हम परमेश्वर की स्तुति में एक गीत को गाएंगे, और वो गीत छोटा सा है, उसके बाद एक और गीत को गाएंगे हम। पहले हम एक गीत गाएंगे जो कि है इस प्रकार से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा,
बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सचमुच में हमारा परमेश्वर हमारा ना हाथ छोड़ता है कभी और ना हमारा साथ छोड़ता है। एक गीत और गाएंगे हम लोग परमेश्वर की सिताइश के लिए। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूंगा निवास जा मैं। करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करूंगा निवास जा मैं। करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गीत के लिए। परमेश्वर ने सचमुच में इन गीतों के द्वारा हमको बहुत ही तसल्ली दी है। बहुत सी बातें परमेश्वर इन गीतों के द्वारा हमसे करता है।
आइए हम लोग वचन में चलने से पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु जी हम तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर, और अपने आप को प्रभु जी तेरे सामने रखते हैं परमेश्वर। प्रभु जी तेरे पाक कलाम को लेकर के प्रभु जी जब हम खड़े होते हैं प्रभु जी हम शून्य हैं, प्रभु जी हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी तेरे ज्ञान के द्वारा प्रकाश होता है परमेश्वर, और प्रभु जी उस प्रकाश के द्वारा हम जीवन पाते हैं प्रभु जी। तेरे वचन से प्रभु जी हमें जीवन मिलता है, तेरे वचन के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होते हैं प्रभु जी। इस वचन को प्रभु जी तूने बहुत महत्व दिया है परमेश्वर। प्रभु जी इस वचन को लेकर के प्रभु जब हम आते हैं प्रभु जी, तो लोगों के जीवनों में काम कर परमेश्वर। प्रभु जी इस वचन के बीज को प्रभु जी जबकि बोया जाता है परमेश्वर, ये वो समय है प्रभु जी, इस समय को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। और जहाँ जहाँ ये बीज प्रभु बोया जाता है प्रभु जी, ये उस राई के दाने के समान होने पाए परमेश्वर, और प्रभु जी ये फल लाए प्रभु। ये काम प्रभु तेरा है, और प्रभु जिन जिन लोगों के मनों में तेरा पाक कलाम जाए, चाहे वो किसी भी रीति से जाता हो प्रभु जी, तो अपने काम को प्रभु लोगों के मनों में कर, और लोगों के मनों को खोल प्रभु जी, कि वो अपने हृदय को कठोर ना करें प्रभु जी। परमेश्वर सारा आदर और सारी महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु जी। ये वो समय है प्रभु जी जब हम प्रभु जी तुझे बढ़ाते हैं प्रभु, अपने आप को शून्य करते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर, अपने बेदी के अंगारों से प्रभु जी हमारे होठों को हमारी जुबान को छुए प्रभु जी, और प्रभु जी बोलने लायक बनाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम इस लायक नहीं हैं, मनुष्य हैं, पापी हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपने वचन को प्रभु जी फैलाएं, और प्रभु जी ये काम प्रभु तेरा है, इसको आशीष दे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा लोगों के जीवनों में प्रकाश होने पाए, जीवन पाने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हम लोगों को ये समय दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाले बने, और ये वो समय है कि जब हम परमेश्वर के पाक कलाम पर कुछ चर्चा करेंगे। और आज का टॉपिक आप सब ने देखा होगा, अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा हम जब पढ़ते हैं, अच्छा चरवाहा कौन है, तो हम सबको मालूम है, हम हमारे घर के बच्चों को भी पता है कि अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जानते हैं, और जैसे ही उस चरवाहे की बात आती है तो हम सब देखते हैं बाइबल में चरवाहे का जिक्र है, और वो चरवाहा किस तरीके से मेरा और आपके जीवन में काम करता है। तो आइए इस चरवाहे के विषय में, जो कि मेरा और आपका चरवाहा है, और मैं और आप उसके चराई की भेड़े हैं। कई जगह हम गीतों में गाते हैं, और कई जगह हम वचन में भी पढ़ते हैं, और हम बार बार वचन में भेड़ों के विषय में पढ़ते हैं और चरवाहे के विषय में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे अच्छा चरवाहा क्या है। तो अच्छा चरवाहा जब भी हम देखते हैं, हमें भजन संहिता 23 का ध्यान आता है, क्योंकि हमारे घर के बच्चों को अच्छा चरवाहा पता है कि अच्छा चरवाहा कौन है, कैसा है, और वो क्या काम करता है। आइए हम लोग देखते हैं अच्छा चरवाहा। यह यजकेल की पुस्तक उसका 34 अध्याय, और उसमें एक टॉपिक छोटा सा दे रखा है, उसकी 11वीं आयत से लेकर के और 16वीं आयत तक, और 17वीं आयत में भी, और काफ़ी नीचे तक लिखा हुआ है, लेकिन हम थोड़े थोड़े हवाले उसमें से देखेंगे कि अच्छा चरवाहा क्या है। वो है तो प्रभु, लेकिन थोड़ा सा और हम थोड़ा सा बढ़ के देखेंगे कि अच्छा चरवाहा क्या है। और परमेश्वर, अगर मैं और आप अपनी भेड़े कहते हैं परमेश्वर को, तो सचमुच में ये सब चीज़ें मेरे और आपके लिए ही हैं, जो वचन मुझे और आपको बताता है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। परमेश्वर भेड़ और बकरियों को
ढूंढने के लिए कहता है और बोलता है मैं खुद ढूंढूंगा उनको, खुद ढूंढूंगा। परमेश्वर ने ये काम अपने ऊपर लिया है, परमेश्वर ने किसी के ऊपर नहीं दिया कि जाओ तुम मेरी भेड़ों को बकरियों को अलग करो या ढूंढो या ये करो या वो करो। परमेश्वर ने दिया है, एक काम सौंपा है और सिर्फ रखवाली करने के लिए बोला है, लेकिन उनकी सुधि लेने का काम परमेश्वर ने अपने हाथों में लिया है और ढूंढने का काम भी परमेश्वर ने स्वयं लिया है। बताता है वो कि देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। सच बात है, हम भेड़ों का जिक्र तो अपने लिए करते हैं और बकरियों का जिक्र हम दूसरी चीज के लिए करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन दोनों को ढूंढने के लिए बोला है और उन दोनों की ही सुधि लेने के लिए बोला है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि साग के साथ में जंगली कटारे भी उगते हैं और गेहूं भी उगते हैं और भी चीजें उगती हैं एक खेत में, एक गेहूं के खेत में दो चार चीजें और भी उगती हैं, लेकिन जब परमेश्वर छाटा काटी करता है तो गेहूं की ही करता है और बाकी सारी चीजें उड़ा दी जाती हैं और वो नाश करने के लिए होती हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर अपनी भेड़ों की रखवाली करने के लिए बोलता है, वो उसने खुद ही जिम्मेदारी ली है कि मैं सचमुच में तुम्हारी सुधी लूंगा और तुम्हें ढूंढूंगा। ढूंढेगा कब? जब हम और आप खो जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे और ढूंढने की नौबत आएगी, तब परमेश्वर मुझे और आपको ढूंढेगा। और वो भी जिम्मेदारी स्वयं परमेश्वर की है, वो जिम्मेदारी उसने किसी को नहीं दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने खुद ली है। जब क्योंकि किसी को नहीं पता हम कब खो गए और कब भटक गए, ये काम तो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है, ये बात परमेश्वर ही जानता है। इस चीज का न्याय परमेश्वर ही करेगा कि मैं और आप कब ढूंढ गए, खो गए, कब मिल गए, कब भटक गए, कब हम परमेश्वर से दूर चले गए। हम लोग ऐसे कोई नहीं जानता मेरे और आपके विषय में। ऐसे ही परमेश्वर बताता है, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हूं। वचन बताता है कि परमेश्वर ने बटोरने की जिम्मेदारी ली है। जब हम टूटते हैं, बिखरते हैं, परमेश्वर बटोरता है हमको जगह जगह से, हर उस स्थान से। जब मैं और आप टूट के बिखरते हैं, छिटक जाते हैं, खो जाते हैं, टूटे हुए होते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, और कई हालातों में ऐसा हमारी लाइफ में होता है, परमेश्वर ने उसकी जिम्मेदारी स्वयं ली है और बोला है कि ऐसे समय में जब बादल और घोर अंधकार के दिन वे तितर बितर हो गई हूँ, मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकाल लूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा है कि वो मुझे और आपको निज भूमि पे ले आएगा। ये पृथ्वी मेरे और आपके लिए निज भूमि नहीं है, ये सिर्फ मेरे और आपके लिए एक सफर दिया गया है जो मुझे और आपको तय करना है। निज भूमि मेरी और आपकी दूसरी है, वो मैं और आप दोनों जानते हैं कि मैं किस निज भूमि की बात कर रही हूँ, वो स्वर्ग की बात है। और परमेश्वर का वायदा है कि मैं देश देश में से निकाल के लाऊंगा और जगह जगह से मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, मैं तुम्हें बटोरूंगा, मैं तुम्हारी सुधी लूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी निज भूमि में ले आऊंगा। परमेश्वर वायदा करता है कि परमेश्वर मुझे और आपको वो स्वर्गीय स्थान, वो जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार किया है, वो स्थान मुझे और आपको देगा। और इसराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। और चराने की भी बात करता है क्योंकि वो एक चरवाहा है, और इस चरवाहे के विषय में मैं बात कर रही हूँ तो लिखा है और इसराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई। ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है, इसमें परमेश्वर ने किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं इसराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। परमेश्वर का वायदा है, ये वचन है परमेश्वर का, वो कह रहा है कि चराई मिलेगी तो मिलेगी। परमेश्वर ये नहीं कहा कि ढूंढेंगे तो पा जाएंगे, नहीं, परमेश्वर का मिलेगी तो सचमुच में मिलेगी वो, और उनको वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी। मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी जगह तैयार करी है जहां सूखे का कोई नामो निशान नहीं है, हरियाली दी है परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए। और इसराइल के पहाड़ों पर उत्तम उत्तम चराई
चरेंगी, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा, भेड़ का भी और बकरियों का भी परमेश्वर चरवाहा होगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। भेड़ के साथ बकरियां भी चराई चरेंगी, बैठेंगी, परमेश्वर उनकी भी सुधि लेगा। और लिखा है परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं खोई हुओं को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा। सचमुच में जो मेरा और आपका परमेश्वर है वो खोए हुओं को ढूंढने आया है। भेड़ों का उदाहरण दिया परमेश्वर की जो निकाली हुई है, निकाली हुई, तिरस्कार की हुई, भटकी हुई, खोई हुई, और लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा। किसी भी प्रकार से आपके जीवन में जहां भी घाव लगे हैं, जिस भी कारण से आपका जीवन चोटिल हुआ है, कारण से बीमारी अवस्था में पाई जाती हूँ, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जो कि मैं और आप शारीरिक रूप से बीमार होने पर ही हम बीमारी को समझते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली भी हम लोग कई बार बहुत बीमार होते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उन बीमारों को भी बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उनको मैं नष्ट कर दूंगा। यानी कि जो परमेश्वर की परमेश्वर नष्ट करने के लिए बोलता है और फिर कहता है मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। परमेश्वर ने भेड़ बकरियों, मोटी भेड़ बकरियों और पतली भेड़ बकरियों और बीमार और घायल हर एक चीज के लिए लिखा है, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर ने न्याय को भी डाला है कि मैं न्याय भी करूंगा। उनके बीच में न्याय का काम परमेश्वर ने रखा है। आइए, ये तो मैंने देखा कि एक छोटा सा टॉपिक के अच्छा चरवाहा हमें यहाँ भी मिलता है। पुराने अहदनामे में जब हम ढूंढते हैं तो अच्छे चरवाहे के गुण हमको यहाँ भी दिखाई देते हैं। और बाइबल बताती है 70वीं आयत में, हे मेरे झुंड, तुम में से परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेड़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। सच बात है, मैंने बताया कि जब हम अपने आप को भेड़ मानते हैं तो हमें अपने चरवाहे की ओर भी देखना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं, और भेड़ों का जो नेचर है वो यही है कि वो बहुत सीधी होती हैं, स्वभाव से सच्ची होती हैं, अपने चरवाहे को पहचानती हैं, उसकी आवाज़ को पहचानती हैं, उसके पीछे पीछे चलती हैं और झुंड से अलग नहीं होती हैं। अपने मालिक के पीछे पीछे वो चलना जानती हैं और झुंड में रहती हैं। और बकरियों का नेचर भेड़ों से विपरीत होता है, और परमेश्वर ने भेड़ और बकरियों को दोनों को रखवाली के लिए बोला है, दोनों का ही एक सा पालन पोषण देखभाल की है, लेकिन उनके बीच में न्याय को रख दिया है। ये तो एक अच्छे चरवाहे के थोड़े से मैंने पॉइंट्स बताए हैं। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बोला कि मैं खोई हुई को ले आऊंगा। सच में परमेश्वर जो कि अच्छा चरवाहा है, चरवाहा अपने भेड़ों और बकरियों की सुधि लेगा और उनको ढूंढेगा। ये काम परमेश्वर का है और वो आज भी इस काम को मेरे और आपके जीवनों में करता है। और सच में परमेश्वर भेड़ों को भी और बकरियों को भी जो भटकी हुई है फिर से अपने झुंड में बटोरेगा, और ये वो काम कर रहा है। परमेश्वर इस काम को अंजाम दे रहा है, और लिखा हुआ है कि सब स्थानों से वह उनको निकाल के ले आएगा, देश देश से, कोने कोने से परमेश्वर उन स्थानों से जहां वो फंस गई हैं, निकाली गई हैं, घायल है, निकाल लाएगा परमेश्वर। और जहां जहां वो छितर बितर हुई हैं, नष्ट हुई हैं, वहां से परमेश्वर उनको इकट्ठा कर लेगा और उनको उनकी निज भूमि पर ले आएगा और अच्छी चराई में चराएगा। ये तो गुण परमेश्वर ने बताए ही हैं। अब हम देखते हैं कि सचमुच में परमेश्वर की जो ड्यूटीज है वो बहुत ज्यादा है सिर्फ एक इंसान के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग नाश, और तरह तरह से उपमाएं दे करके, एग्जाम्पल्स दे करके परमेश्वर ने हमको बताने की कोशिश की है कि हम किस तरीके से समझें, क्या ऐसा तरीका है जो हम उन सारी बातों को समझें। और परमेश्वर बताता है बहुत अच्छा मत्ती 18 में, और लिखा हुआ है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। खोया हुआ बेटा भी हमने पढ़ा है, उड़ाऊ पुत्र, और खोई हुई भेड़ का
दृष्टांत भी हमने कई बार बचपन में पढ़ा है कि एक भेड़ थी और वो खो गई थी, और 100 भेड़े थी और वो उसमें से एक खो गई थी, और जो उनका जो चरवाहा था वो 99 को छोड़ करके पहाड़ों पर जाकर उनकी क्या भटकी हुई भेड़ को ना ढूंढेगा, ऐसा यीशु मसीह ने लिखा है, बोला है। और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि हम आप या कोई भी नष्ट हो। परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने आया है, नाश होने से बचाने के लिए आया है। और सचमुच में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहोवा परमेश्वर ने दिया कि अपने इकलौते बेटे को इस धरती पे भेज के हम सबके छुटकारे के लिए दे दिया। तो परमेश्वर हर उस इंसान के जीवन में काम करने के लिए तैयार रहता है। परमेश्वर जानता है हर एक चीज़ को, परमेश्वर काम करने के लिए रेडी है। कब हम भटक गए हमें नहीं पता चला, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को छोड़ के एक खोए हुए के मारे परेशान रहता है। परमेश्वर मौका देता है, परमेश्वर निकाल के लाता है, कांटों में उलझे हुए जीवनों को निकाल के लाता है, घायल जीवन को बचाता है। चाहे किसी भी रूप से आप बीमार हों, सताव में हों, मानसिक उत्पीड़न में हों, या किसी भी प्रकार से परेशान हो, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का वायदा है कि वो एक भीड़ को छुटकारा देने के लिए, छुड़ाने के लिए तैयार रहता है। ऐसा मत्ती के 18वें अध्याय में लिखा है, उसकी इच्छा नहीं है कि कोई भी नाश हो, इसलिए उसने भेड़ों का उदाहरण दिया और वे एक अच्छा चरवाहा बनके मेरे और आपके जीवन के लिए आज भी काम करने के लिए तैयार है। फिर हम देखते हैं एक चरवाहे के लिए जो बहुत ही कॉमन, जिसको हम हमेशा जानते हैं, भजन संहिता 23, जो कि हम बचपन से ही हमें याद रहता है, और जब भी हमें कभी डर लगता था छुटपन में तो हम इसी अध्याय को याद कर लेते थे, पढ़ते थे कि यहोवा मेरा चरवाहा है। सचमुच में मुझे और आपको अपना चरवाहा किसी और को नहीं बनाना है। आप किसी को अपने जीवन में चरवाहा तो मत बनाइए कि वो आपके जीवन को लेके चराने चल दे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना भरोसेमंद नहीं है कि कोई आपके जीवन को इधर उधर ले जाए और वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि परमेश्वर के सिवाय इस दुनिया में कोई भी ऐसा वफादार नहीं है जो आपको आपकी निज भूमि पे ले जाए या छुटकारा दे या संभाले या आपकी जिम्मेदारी ले। ये काम सिर्फ परमेश्वर ने अपने लिए रखा है, उसने ये काम किसी को नहीं दिया। उन रक्षा करने का काम, हर एक काम परमेश्वर ने अपने लिए रखा है, उसने किसी मनुष्य के हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं दी हैं। क्योंकि हम कब भटकते हैं किसी मनुष्य को नहीं पता है, परमेश्वर जानता है। हम कब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं ये भी परमेश्वर जानता है, मनुष्य नहीं जानता। कई बार हम दिखावे का जीवन जीते हैं ये भी मनुष्य नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। तो अपना चरवाहा, अपने जीवन में चरवाही का काम परमेश्वर के अलावा किसी भी इंसान को या किसी भी ऐसे काम को महत्व ना दें जबकि जीवन को आपके परमेश्वर से अलग ले जाए। तो हम देखते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। जब मेरा चरवाहा परमेश्वर है तो मुझे किसी भी चीज़ की कभी घटी नहीं होगी, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझसे हजारों वायदे किए हुए हैं और परमेश्वर ने स्वयं मेरी जिम्मेदारी ली है कि वो मुझे छुड़ाएगा, ढूंढेगा और मेरी सुधी लेगा। और वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा कि परमेश्वर हमें इज़राइल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ले जाएगा, चराएगा और निज भूमि पर लेके जाएगा, और मेरी भेड़े जो हैं हमेशा तराई में और अच्छी जगह पर बैठेंगी। और सेम हम ऐसा ही वर्णन यहाँ भी देखते हैं कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। सचमुच में परमेश्वर के जीवन में आने से हमें किसी भी चीज़ की पहली बात तो कमी घटी नहीं होती, दूसरी बात यह है
कि वो हमें उस जीवन के जल के पास रखता है, अपने पास रखता है जहाँ से जीवन के जल की नदियाँ बहती हैं। और परमेश्वर हमें कभी भी किसी भी चीज़ से महरूम नहीं होने देता, वह मेरे जी में जी ले आता है। इस पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके जी में जी ले आए। मैं चाहे किसी से कितना भी प्यार करूं, लेकिन मेरे जी की बातें, मेरे जी जैसी बातें कोई नहीं समझ सकता। मेरे मन की बातों को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी कोई व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन परमेश्वर मेरे जी में जी लाता है। मेरे जी में जी लाने का मतलब आप समझते हैं ना, बिल्कुल दिल से दिल मिला के, दिल की बातों को जान के, बातों की गहराइयों को समझ के, मेरी भावनाओं की गहराइयों को समझ के, वहाँ तक वो जाता है। जबकि कोई एक मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। किसी भी मनुष्य को मुझे और आपको अपने शब्दों के जरिए बताना पड़ता है, जी नहीं समझ सकता कोई मेरे और आपका। ये बहुत गहराई की बात है कि मेरे मन की गूढ़ बातों को परमेश्वर जानता है। इतना गहराई तक परमेश्वर मुझे जानता है, वो वहाँ तक चला जाता है। मेरे करवटों का हिसाब रखता है परमेश्वर, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो वहाँ जा कर के सोचता है, वहाँ तक चला जाता है परमेश्वर। और ये बहुत बड़ा गहराई का टॉपिक है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। जी में जी कोई नहीं ला पाता, ना मेरी और आपकी औलादें ला पाएंगी, ना हस्बैंड वाइफ ला पाएंगे, ना कोई लवर्स ला पाएंगे, ना ही कोई दोस्त ला पाएगा। क्योंकि कोई भी इंसान उतना ही समझता हमें जितना हम अपने व्यवहार से उसको समझाते हैं, या अपने शब्दों से उसको समझाते हैं, या हमारी एक्टिविटीज़ से कोई हमारी हरकतों को, हमारी बातों को, हमारे बिहेवियर को समझ सकता है। लेकिन जी में जी लाना तो सिर्फ एक परमेश्वर का ही काम है। वो वहाँ तक जाता है, वो वहाँ तक जा करके हमारी बातों को पढ़ता है, मेरे मन की कल्पनाओं को कि कहाँ तक जाती हूँ मैं, वो वहाँ तक मुझे जानता है। ये काम पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ये काम किसी को परमेश्वर ने दिया ही नहीं है। चाहे कोई कितना भी क्यों ना प्यार करता हो, लेकिन जी में जी कोई नहीं लाता। मन की बातों को कोई नहीं समझता है। हर चीज़ के लिए हमें अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने आंसुओं का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर को इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो वहाँ तक भी जाता है, यहाँ तक भी जाता है, और सोते सोते भी परमेश्वर मेरे मन में काम करता है। तो परमेश्वर बहुत बड़े बड़े कामों को करता है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी मुझे कि सच में परमेश्वर, इतनी मेरी उम्र हो गई, आज तक मेरे जी में जी तो कोई लाया ही नहीं, कोई भी नहीं, माँ बाप भी नहीं, भाई बहन भी नहीं, बच्चे भी नहीं, हस्बैंड भी नहीं जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ वो भी नहीं, मेरे दोस्त भी नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं ला पाया। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे जी में जी लाने वाला सिर्फ एक ही मिला, और जिसका नाम परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। सिर्फ वही है जो जी तक पहुंचता है। ये जी में जी लाना बहुत बड़ी चीज़ है मेरे और आपके लिए, और बहुत ही ब्लेस्ड है ये चीज़ मेरे लिए कि सच में परमेश्वर आप कहाँ तक जाते हैं। मुझे आपको समझाने के लिए अपने शब्दों की ज़रूरत नहीं है। मैं गूंगी हुई होती तो शायद मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती रोने गड़गड़ाने की, क्योंकि जी में जी जो ला रहा है वो मेरी फीलिंग्स को जानता है, मेरे रिएक्शंस को वो जानता है, मेरी भावनाओं को वो दूर से पहचान लेता है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है बोलने की, क्योंकि जो जी में जी ला रहा है वो बहुत बड़ा है, वो जी से बहुत बड़ा है। और लिखा है परमेश्वर ने कि धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सच में परमेश्वर धर्म के मार्गों में, धर्म का जो मार्ग है वो परमेश्वर का है, लेकिन उस मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के कारण से मेरी अगुवाई करता है। धर्म का मार्ग भी परमेश्वर का है, और वो अपने उस महान नाम के कारण जिसने प्रॉमिसेस किए हैं, उन प्रॉमिसेस को लेकर के मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं कितनी भी घोर अंधकार से भरी तराई में होकर के चलूं,
तो अभी मैं हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझको शांति मिलती है। सचमुच में बहुत बहुत खराब हमारी लाइफ में ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिगड़ गया, मेरे हाथों से सब कुछ चला गया, अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन सच में जब चरवाहा इतना अच्छा है तो चाहे हम अंधकार में चलें चाहे हम ज्योति में चलें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें पता है वो हमारी सुधी रखेगा। और मेरा जो चरवाहा है अंधकार में भी वो मुझे सांत्वना दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है और कह रहा है कि हानि से तू डरी मत, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। नुकसान कितना होगा, अय्यूब के जीवन में कितने बड़े बड़े नुकसान हुए, परमेश्वर ने किस प्रकार से उनकी भरपाई करी है, कितने बड़े बड़े नुकसानों को लोगों ने झेला, अपना घर परिवार बच्चे सब लोगों ने तबाह कर दिए, लेकिन परमेश्वर जिन लोगों के साथ में रहा है परमेश्वर ने उनके जीवन में किस तरीके से ब्लेसिंग्स दी हैं वो परमेश्वर ही जानता है और वो व्यक्ति जानता है जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया हो। सचमुच में हानि से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हानि परमेश्वर नहीं करता है, हानि हमारे अपने कर्मों से होती है या शैतान की तरफ से होती है, और अगर परमेश्वर की साइड से हुई भी है तो परमेश्वर उसकी भरपाई बहुत अच्छी तरह करना जानता है। अगर आपके 10 रुपये का नुकसान हुआ तो परमेश्वर आपको 10,000 देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और परमेश्वर का सोटा और परमेश्वर की जो लाठी है जो भेड़ों के लिए दी जाती है वो हमेशा सही मार्गदर्शन के लिए दी जाती है। बहुत से चरवाहे ऐसे हैं जो लाठी का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन लाठी मेरे और आपके फ़ायदेमंद साबित होती है हमेशा, क्योंकि जो भटक गए हैं उनको तितर बितर होती हैं उनके लिए है, और जो अपना मार्ग छोड़ देती हैं उनके लिए है, या दूसरे झुंड में जो मिल जाती हैं उनके लिए लाठी का प्रयोग किया जाता है, या जो कहना नहीं मानते हैं ये उनके लिए प्रयोग की जाती है। तो परमेश्वर का जो सोटा और जो लाठी है वो हमारे फायदे के लिए है, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और सचमुच परमेश्वर का इतना अच्छा वायदा कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, और निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। जैसा कि मैंने आपको यहेजकेल में बताया कि परमेश्वर ने कैसे कैसे प्रॉमिस किए हैं, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए कभी भी नुकसान के सौदे नहीं रखता है। परमेश्वर मेरे और आपके सताने वालों के लिए सिर्फ यही कहता है कि हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, अपने जो हमें श्राप देते हैं उनको हम आशीष दें, जो हमें सताते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, और जो लोग हमारे प्रति बुरा मन रखते हैं उनके लिए भी हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों के सामने ही परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी ब्लैसिंग्स देता है। ऐसा नहीं है कि उन सताने वालों के सामने हमारे लिए खाने की थाल लगा दी, लेकिन वो मेज़ बिछाता है और मेज़बानी करता है और ब्लेस करता है हमको। उसका मतलब ये है कि वो हम ब्लेस करता है, उनके सामने हमें आशीष का कारण ठहराता है और उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है परमेश्वर, और हमें आशीषित करता है। तेल का मतलब हम सब जानते हैं कि उसने मेरे सिर पर तेल मला है, यानी कि अभिषेक किया है, ब्लेस किया है, और लोगों के सामने उस समाज में उस स्थान पे उस जगह पर उन लोगों के बीच में जो हमें सताते हैं हमें परेशान करते हैं परमेश्वर हमें पूंछ नहीं सिर ही ठहराता है हमेशा। और निश्चय जानता है दाऊद कि निश्चय डेफिनेटली भलाई और करुणा मेरा पीछा करते करते आएगी मेरे पास में, जब मैं अपना चरवाहा यीशु मसीह को मानूंगा। किसी भटकाने वाले व्यक्ति को अपना चरवाहा ना बनाए कि वो आपको भटका दे आपके जीवन के मार्ग से, लेकिन दाऊद जानता है और वो भेड़े जानती हैं कि निश्चय हो ही नहीं सकता कि भलाई और करुणा मेरे पास ना आए, इसलिए निश्चय लगा हुआ है कि डेफिनेटली ये चीज़ें तो मेरे साथ साथ बनी ही रहेंगी जब मेरा चरवाहा यीशु मसीह होगा। और जैसा मैंने बोला कि वो हमें अपनी निज भूमि पर ले जाएगा, तो यहोवा के धाम में मैं सर्वदा वास करूँगा। ये वायदा है परमेश्वर का कि सचमुच में हम परमेश्वर के दिए हुए स्थान पे जो हम उसने हमें दिया है आशीष का कारण ठहराया है हमें कि हम वहाँ जाएंगे। एक भाग परमेश्वर ने हमें दिया है,
हम वहाँ जाएंगे और वहाँ निवास करेंगे। तो ऐसा परमेश्वर का वचन कई जगह हमको बताता है कि सच में हमारे मन फिराने से, हमारे एक चरवाहे के चुनाव के द्वारा, हमारा चरवाहा कौन है, तो अपने चरवाहे को चुने कि आपका चरवाहा कोई बिजनेस तो नहीं है ऐसा जो आपको आपके मार्ग से भटका रहा है, आपका चरवाहा कोई दोस्त तो नहीं है जो आपको गलत मार्ग पे लिए जा रहा है, आपका चरवाहा आपका मोबाइल फोन तो नहीं है जो आपको दूसरी तरफ लिए जा रहा है, आपका चरवाहा वही होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ही होना चाहिए जिसके साथ रह करके आप अनंत जीवन के वारिस बने, एक अच्छा जीवन आप जिए। और सच में एक ऐसा चरवाहा जो हमेशा मेरी प्रार्थनाओं निवेदनों को सुनता है और मेरे जी में जी ले आता है, मेरे जी की बातों को सुनने में वो कोई भी देर नहीं करता और मेरी प्रार्थनाओं को निरंतर सुनता है, और इतना अच्छा चरवाहा जो कि मेरी वेदनाओं को, मेरे आंसुओं को सुनने के लिए झुक जाता है वो और नीचे आ जाता है और उन प्रार्थनाओं को सुनकर पे उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगाता है। मुझे कभी किसी चीज़ से परमेश्वर ने महरूम नहीं रखा, हर एक उत्तम आशीषें उसने मुझे दी हैं, भले ही देर में मिली हों लेकिन दी हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है और उसने मेरे जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं रखी। बहुत बड़े बड़े हादसे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मेरी लाइफ में आई, लेकिन सचमुच में एक चरवाहा जो था, जो यीशु मसीह मेरे साथ था, परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, बचाया। कल की ही एक छोटी सी घटना है। कल मैं ड्यूटी के बाद छूट करके अपने बच्चों के स्कूल का कुछ सामान लेने के लिए ड्यूटी से मार्केट की तरफ निकली और बहुत बारिश हुई थी और बहुत बारिश में मुझे जाना पड़ा। सड़क पे बहुत पानी था, आधा आधा स्कूटर जो था डूब रहा था, सड़क नहीं दिखाई दे रही थी ठीक से, और मैं जो थी जा रही थी, पानी तो था ही, गंदा पानी था नाले का, ऐसे ही बहुत कीचड़ थी और मैं चलती चली जा रही थी और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था मैं सही जा रही हूँ गलत जा रही हूँ, हालांकि मैं सही जा रही थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि कब मेरी गाड़ी का पहिया, स्कूटर का पहिया चौकोर से गड्ढे में, जो नाली के किनारे गड्ढे होते हैं जो नगर निगम की तरफ से होता है, वो खुला हुआ था और उसमें मेरी गाड़ी का जो आगे का टायर था वो चला गया पूरा, और मैं जो थी मुझे पता ही नहीं चला, मैं एकदम से बिल्कुल ठहर गई वहाँ पर, गाड़ी चालू और मैं एकदम अंदर और पानी भरा हुआ सब तरफ। मैंने कहा अरे खुदावा ये क्या हो गया अचानक से, परमेश्वर बचाए मुझे, मैं कहाँ फंस गई मुझे पता ही नहीं है, बहुत गहरा गड्ढा है ये तो। फिर दो लड़के आए और उन्होंने मेरी गाड़ी का हैंडल पकड़ के निकाला, मुझसे पूछा चोट तो नहीं आई, मैंने कहा नहीं मुझे चोट तो बिल्कुल नहीं आई लेकिन ये तो दिख ही नहीं रहा था गड्ढा था कहाँ, और उस गड्ढे से उन्होंने मुझको निकाला, मेरी गाड़ी निकली और जिस सामान को मैं लेने आई थी वो दुकान वाले ने मुझे सामान वहीं पर भिजवा दिया किसी के हाथ से, मुझे वहाँ तक भी नहीं जाना पड़ा। हाँ मैं निकल के तो आ गई लेकिन फिर मैं इस चीज़ को सोचने लगी कि परमेश्वर कितना बड़ा हादसा तूने मेरे जीवन से रोक दिया, ये क्या कुछ भी हो सकता था, मैं गिर सकती थी, मेरे हाथ पैर टूट सकते थे, मुझे हेड इंजरी हो सकती थी, बहुत कुछ भी हो सकता था और कैसे गाड़ी ऐसे रुक गई एकदम, वहाँ जाके कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मुझे तो खरोंच भी नहीं आई। और मैं बहुत देर तक इस चीज़ को सोचती रही कि परमेश्वर कैसे तूने मुझे बचा लिया। तो मैंने अपने मन में परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया कि परमेश्वर तूने मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करी, अपने वायदे के अनुसार तूने मुझे छुटकारा दिया, बचाया, कुछ भी हो सकता था मेरे साथ में, लेकिन सच में मैं जा तो रही थी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था, इसी कारण से मैं एक बहुत बड़े हादसे से बची, कुछ भी मुझे नहीं हुआ, हालांकि बहुत कुछ हो सकता था, मैं बाद में सोच रही थी बहुत कुछ हो सकता था लेकिन सच में परमेश्वर ने मुझे बचाया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, हालांकि किसी के लिए ये बहुत छोटी सी घटना हो सकती है लेकिन मैंने जब सोचा तो मेरे लिए बहुत बड़ी थी, हो सकता है मुझे कुछ भी हो जाता,
घर नहीं पहुंच पाती अपने बच्चों के पास वापस, और हॉस्पिटल में एडमिट होती या कुछ भी हो जाता, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस छोटी सी गवाही के लिए भी, और परमेश्वर की हमदो सताइश हर बात में हो कि परमेश्वर ने मुझे इतने बड़े हादसे से बचाया, और गाड़ी में भी कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से आ गई, और परमेश्वर ने इतनी बारिश में भी दो हेल्पर मेरे लिए भेज दिए कि उन लड़कों ने आके मेरी गाड़ी निकाल दी, वरना कौन आज के टाइम में किसी की हेल्प करता है। तो परमेश्वर का मैं हर एक बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी रक्षा की, मेरी मदद करी, और ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करता रहे। मैं परमेश्वर का इस वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी गूढ़ बातों को समझने के लिए, और खास तौर से इस बात के लिए परमेश्वर कि तू हमारा चरवाहा है, हमारा पिता है, और पिता परमेश्वर अपने वायदों के अनुसार पिता परमेश्वर तुम्हारे जीवनों में काम करता है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने अपने वायदों से कभी भी पीछे नहीं हटा पिता परमेश्वर, तूने निरंतर हमारी रक्षा करी, हमारी मदद करी है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आने वाले समयों में भी पिता परमेश्वर तुम्हारी रक्षा कर, मदद कर, लोगों के जीवनों को बदल पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर सबकी चरवाही कर पिता, सबको जो भटके हुए लोग हैं पिता परमेश्वर उनको अपने गले में इकट्ठा कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये वचन जहाँ जहाँ जाता है प्रभु जी तेरे नाम को और तेरे काम को पिता परमेश्वर फैलाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर सुनने वालों पे आशीष दे, हम में से यदि कोई बीमार है प्रभु तो उसको चंगाई दे पिता परमेश्वर। हर एक जन पर अपनी आशीष को बना के रखें, हमारे देश में प्रभु सबके साथ हों प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम सबकी रक्षा करें, मदद करें। यीशु मसीह तेरे इस पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।